Hello friends, welcome back to my channel. I am Akshay Bhutliwala and you are watching Physics Corner. So in this examples, we will discuss some examples of a letter series formation. जो इसका पिछला वीडियो था, उसमें इसका इंट्रोडक्शन बताया था. तो इस वीडियो से अपन एग्जांपल शुरू करेंगे. तो देखिए पहला एग्जांपल. तो देखिए क्या है. देखिए कहां से शुरू है अल्फाबेट सीरीज बी वाई डी डब्ल्यू जी टी एंड व्हाट इज द नेक्स्ट. अब देखिए दिस बी वाई इज नथिंग बट अल्फा पेयर. यू कैन सी बी वाई. ओके उसके बाद डी डब्ल्यू इसके बाद जी टी एंड की अल्फा पेयर्स की एक खासियत रहती है उनका सम क्या रहता है 27 27 27. तो बस अब ऑप्शन में से अल्फा पेयर ढूंढो दैट इज द आंसर. अब देखिए पहला केपी. इज केपी इज अल्फा पेयर. यस केपी इज अल्फा पेयर बिकॉज द सम इज 27. दैट्स नथिंग बट द ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. इतना सिंपल था. ओके तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए ए एम सी के ई एंड व्हाट इज द नेक्स्ट. ए एम सी के ई. ओके तो देखेंगे अपन पहले. देखिए क्वेश्चंस ऐसे हैं जब तक आप चार्ट नहीं देखोगे तब तक आपको. देखिए ए. ओके उसके बाद ए एम. ओके ए एम उसके बाद सी. ए एम सी के कहां पर है यहाँ पे चौथा. इसके बाद ई यानी कि देखिए देखिए पहले ए था उसके बाद एम दूसरा फिर बाद में सी फिर बाद में के फिर बाद में ई. अब देखिए ऑप्शन कौन सा बनेगा. आई जी जी है. अब देखिए इसकी वैल्यू थी वन एम की 13 इसके बाद सी की वैल्यू थी 3 के की देख लेंगे के की है 11 ई की है 5. अब देखिए ए 1 3 5 और यहाँ पे क्या आएगा 7. ओके 13 11 9 13 11 9 7 और 9 के प्लेस के ऊपर कौन सी है. देखिए मेरा जी आई जी आई सॉरी 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 9 9 9 यहाँ पे चाहिए 7 यहाँ पे चाहिए. अगेन तो 9 और 7 के प्लेस पर क्या है. 9 के प्लेस पर आ है 7 के प्लेस पर क्या है जी. दैट इज व्हाई द ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. इतना से बता कि देखिए एक बार आप कंफ्यूज हो गए ए एम सी के ई उसके बाद दो अपने पास क्वेश्चन मार्क थे. तो देखिए इसकी प्लेस 1 थी इसकी 13 इसकी 3 थी के की 11 ई की कितनी 5 रहेंगी. तो देखिए 1 3 5 5 के बाद क्या चाहिए यहाँ पे 7. अब देखिए 13 13 के बाद 11 11 के बाद क्या चाहिए 9. तो बस 9 और 7 के प्लेस पर कौन सा अल्फाबेट से दूर 9 पे आ है और 7 पे जी है. दैट इज वाई द ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. तो मैंने पहले जब इंट्रोड्यूस किया था लेटर सीरीज फॉर्मेशन में मैंने यही कहा था कि ये जो चार्ट मैंने बनाया है इसी के ऊपर आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. तो कौन सी भी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो पहले चार्ट फॉर्म कीजिए. विदाउट चार्ट देर लग सकता है. इतना सिंपल हो जाता है. तो देखिए थर्ड क्वेश्चन. अब देखिए इसका सीक्वेंस अच्छा है. तो देखिए डी वाई डब्ल्यू वाई ट्रिपल एफ वाई. देखिए डी सी डी के बाद ई ई के बाद एफ एफ के बाद जी आता है. तो ये देखिए सक्सेशन है डी के बाद ई ई के बाद एफ एफ के बाद जी. बस अब देखिए एक बार डी लिया फिर वाई लिया फिर दो बार ई लिया फिर वाई कनेक्ट किया फिर 3 बार एफ लिया फिर वाई कनेक्ट किया. अब क्या करना है 4 टाइम्स जी एंड पुट टू वाई. 4 टाइम्स जी एंड पुट वाई. दैट्स व्हाई द ऑप्शन इज करेक्ट. सिंपल लॉजिक था. इसके लिए चार्ट की भी कोई जरूरत नहीं थी. अलाइनमेंट. अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन. ए बी सी ए मैं ऊपर ही देख लेता हूं इसको. देखिए एक बार क्वेश्चन देख लीजिए. ए बी सी जी एच आई एम एन ओ
अब देखिए इसके बाद क्या रहेगा, अब देखिए प्लेस नोट कीजिए, 1 2 3, अब जी एच आई का प्लेस क्या है, 7 8 9, एम एन ओ का क्या है 13 14 15। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 का गैप आया, फिर 7 8 9, फिर 10 11 12 का गैप आया, फिर 13 14 15, तो इसके बाद 16 17 और 18 का क्या आएगा गैप, फिर यहाँ पे क्या रहेगा 19 20 एंड 21। अब इसकी जगह क्या है, देखिए 19 की जगह है S, 20 के सॉरी 19 की जगह S है, 20 की जगह T है, और 21 की जगह क्या है U, that's why S T U। तो देखिए यहाँ पर है S T U, मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे चाहिए U, है ना। तो देखिए मैंने कैसे नंबर डिफाइन किए, जो भी उसके नंबर से वो डिफाइन कीजिए, बस फाइंड आउट कीजिए, है ना। 1 2 3, फिर 4 5 6 एब्सेंट, 7 8 9, 10 11 12 एब्सेंट, 13 14 15, 16 17 18 एब्सेंट, फिर उसके बाद क्या आएगा 19 20 21। उस प्लेस के लिए, उस डिजिट के लिए कौन से अल्फाबेट्स डिफाइन कर रहे हैं वो तो लिख लीजिए, इतना सिंपल, सब कुछ चार्ट पे ऊपर डिपेंड है, ओके। उसके बाद देखिए फिफ्थ द लास्ट वन, नाउ सी इसकी भी पोजीशन डिफाइन कीजिए, ए बी सी 1 2 3, है ना। में इसके बाद देखिए ईडीसी की पोजीशन डिफाइन कीजिए, ई की है 5, डी की है 4 और सी की है 3, ओके नो प्रॉब्लम। एफ जी एच, एफ जी एच डिफाइन करो 6 7 8 6 7 8, एफ जी एच के बाद क्या है जी आई एच, जे आई एच डिफाइन कीजिए 10 9 8 10 9 8। उसके बाद देखिए के एल एम, के एल एम डिफाइन कीजिए, प्लेस डिफाइन कीजिए 11 12 13। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाए, देखिए 1 2 3 बराबर है 1 2 3। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप एक चीज कॉमन देख रही है कि लास्ट में नहीं क्या, देखिए यहाँ पर भी सी था, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी देखिए 8 के जगह क्या था एच, यहाँ पर भी एच है, यानी कि अब यहाँ पर भी 13 है तो यहाँ पर भी 13 आएगा, 13 के ऊपर क्या है M। तो देखिए ऑप्शन, देखिए ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, दैट्स व्हाई द ऑप्शन ए इज करेक्ट, आई कैन नहीं। अब देखिए यहाँ पे 2 था तो 2 में 2 ऐड करने के बाद 4 बन गया, सॉरी नो, ये लॉजिक बराबर नहीं है, तो बस यही लॉजिक बराबर है, ये जो भी लास्ट प्लेस था उसके ऊपर सेम डिजिट रहेगा, तो यहाँ पर भी 13 था तो यहाँ पर भी 13 चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन राइट है, फर्स्ट, ओके। सभी क्वेश्चंस चार्ट के ऊपर डिपेंड थे, इसलिए ईच एंड एवरी क्वेश्चन चार्ट इज इंपॉर्टेंट, मैं यही कह रहा है बार बार, जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो फर्स्ट यू वर्क टू ड्रॉ दिस चार्ट, विदाउट दिस चार्ट यू आर अनेबल टू फाइंड, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।